हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सुपर क्रैश कोर्स वीडियो सीरीज। आज का टॉपिक है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। काफी इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है। यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के एंड पे मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि जेएसए एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड पूछे गए थे। ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग। जल्दी से आप इसका आंसर करो। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नाउ वाइटल स्टैटिक्स इज द न्यूमेरिकल रिकॉर्ड ऑफ मैरिज, बर्थ, सिकनेस, डेथ बाय विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ अ कम्युनिटी मे बी स्टडीड। यानी हम उन सब डेटा को लेते हैं जिससे हम कम्युनिटी की हेल्थ एंड ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल चीज। फिर हमारे पास यहां पे है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है? स्टेट ऑफ हैविंग स्पेसिफिक इलनेस, यानी किसी को कोई बीमारी है, किसी को लंग कैंसर है, किसी को स्किन कैंसर है, यानी ये हो गया हमारे पास मॉर्बिडिटी। फिर मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी क्या होता है? मॉर्बिडिटी की वजह से डेथ। रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ दैट हैव अकर्ड ड्यू टू स्पेसिफिक इलनेस। ठीक है, मॉर्बिडिटी की वजह से जो डेथ हो गई हो गया मोर्टेलिटी। फिर यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? एक्सपेक्टेड ईयर्स लिव, यानी एक इंसान कितने साल तक जिंदा रह सकता है, एक एक्सपेक्टेशन, उसी को हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो यहां पे जो वाइटल स्टैटिक्स है इसमें बर्थ रेट आता है, एजुकेशन रेट नहीं, ये नहीं आता है। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिक्स ये भी, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एजुकेशन रेट, सॉरी यहां पे क्वेश्चन था कि वाइटल स्टैटिक्स डज नॉट इंक्लूड, यहां पे है डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन रेट इंक्लूड नहीं होता है, बाकी जो बर्थ रेट है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिक्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिक्स। इनमें से हम कौन सा मेथड अप्लाई नहीं करते हैं वाइटल स्टैटिक्स को ऑब्टेन करने के लिए? क्या हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करते हैं? बिल्कुल, जब भी बच्चे पैदा होते हैं उनको हम रजिस्टर करते हैं, या कोई डेथ होती है। फिर सेंसस आर कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, बिल्कुल यहां से भी हम करते हैं कलेक्ट, सर्वे भी करते हैं। फिर एनालिटिकल मेथड, ये भी इस्तेमाल होता है। जिस टाइम पे सर्वे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे वाइटल स्टैटिक्स को ऑब्टेन करने के लिए एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द एबो आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिक्स। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? रेट ऑफ वाइटल इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, और इसको हम डिवाइड करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ इवेंट मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ वाइटल इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ आर मेड कंपल्सरी। आप सब जानते हो इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन है बर्थ एंड डेथ की, इसकी कंपल्सरी है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बर्थ एंड डेथ है ये कंपलसरी करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये है अकॉर्डिंग टू आरबीडी, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, इन केस ऑफ बर्थ एंड डेथ जो सिटीजन है उनको इन्फॉर्म करना है विद इन 21 डेज टू द रजिस्टर ऑफ देयर ज्यूरिडिक्शन, जो भी रजिस्टर होगा। ठीक है, यानी रजिस्ट्रार होगा उसको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहां पे एक और चीज आपको पता चल गई कि जो बर्थ एंड डेथ रेट है इसको कौन रिकॉर्ड करता है? रजिस्ट्रार। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की। पहला ऑप्शन, द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स दैट अकर बिटवीन 0 to 27 डे ऑफ लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ तो हमारे पास बनता है नियोनॉटल डेथ रेट या नियोनॉटल मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, नियोनॉटल डेथ रेट, ठीक है, यानी जब एक बच्चे की डेथ विद इन वन मंथ, ठीक है, 0 to 27 या सिंपल विद इन वन मंथ होती है, इसको हम कहते हैं नियोनॉटल डेथ रेट। फिर सेकंड, द नंबर ऑफ डेथ इन द फर्स्ट ईयर या फर्स्ट बर्थडे से पहले, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, ये हमारे पास हो गया इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, एंड ये हमारे पास होगा नियोनॉटल डेथ रेट या मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स या यूटीज वर द बेस्ट परफॉर्मर एज दे विटनेस्ड अ स्टीप रिडक्शन इन नियोनॉटल मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट एंड अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट। इनमें से कौन सी स्टेट्स या यूटीज में जो जिनको कंसिडर किया बेस्ट परफॉर्मर बिकॉज वहां पे जो नियोनॉटल मोर्टैलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है एंड अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, अंडर फाइव में होता है फाइव ईयर से कम चाइल्ड्स को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये है सिक्किम एंड आसाम, ये भी करेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर भी करेक्ट है एंड गोवा भी करेक्ट है। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे कुछ मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है रिगार्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव, तो इसको आप पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ अ कोहर्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे कोहर्ट होता क्या है। एक चीज मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा, मैंने लाइव टेबल पे वीडियो बनाई है, बहुत कम स्टूडेंट्स ने उसको देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्योंकि उसके रिलेटेड जैसे में क्वेश्चन पूछे गए थे, सो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पे सबसे पहले हम समझेंगे कोहर्ट। कोहर्ट क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु बोर्न एट द सेम टाइम एंड एक्सपीरियंस द सेम मोर्टैलिटी कंडीशन। लेट अस सपोज दैट अगर हम कोई स्टडी करना चाहते हैं तो हम एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लेंगे। ठीक है, अब उस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में क्या होगा, हु आर बोर्न एट द सेम टाइम, ये चीज आपको याद रखनी है, कभी कभार पूछा जाता है कोहर्ट के फीचर्स, ठीक है, या कोहर्ट के बारे में क्या क्या होता है। सबसे पहले हु आर बोर्न एट द सेम टाइम, वो एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं एंड एक्सपीरियंस द सेम मोर्टैलिटी कंडीशन, और वो जो कंडीशन फेस करते हैं सेम फेस करते हैं, यानी अगर रहेंगे तो सारे गांव में रहेंगे, कहीं पे पोल्यूशन ऐसा कम या ज्यादा ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होगा, सेम होना चाहिए। देन लाइफ टेबल क्या करता है, लाइफ टेबल शो करता है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एंड डाइंग, इस कोहर्ट में कितने पर्सन जिंदा रह रहे हैं, कितने मर रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं लाइफ टेबल, यानी जो कोहर्ट है उसकी समरी को हम कहेंगे लाइफ टेबल। फिर यहां पे रैडिक्स, रैडिक्स क्या होता है, साइज ऑफ कोहर्ट। अब हमने यहां पे कितनी पॉपुलेशन उठाई, ठीक है, उसका साइज, उसको हम कहते हैं रैडिक्स, और जनरली हम लेते हैं 100,000 लोग। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। फिर लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों सेम है। नाउ क्वेश्चन पे आओ, हिस्ट्री ऑफ कोहर्ट, अब कोहर्ट की हिस्ट्री या समरी आपको कौन बताएगा, वो आपको बताएगा लाइफ टेबल, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ रेट्स ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। नाउ यहां पे हम बात कर रहे हैं डेथ ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, यानी फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, यहां पे एचआईवी, अलग अलग की हम बात करेंगे, वहां पे क्रूड डेथ रेट नहीं आएगा, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट या वाइटल इंडेक्स नहीं आएगा, बल्कि स्पेसिफिक डेथ रेट की हम बात करेंगे। ठीक है, हेंस
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टाउन इन अ ईयर 6,2418 लाइव बर्थ अकर्ड एंड ऑफ दीज 3,207 इन्फेंट्स डाइड इन द सेम ईयर. यहां पे हमने कैलकुलेट करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिएगा. देखो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ डेथ अमंग इन्फेंट्स, यानी इन्फेंट्स में कितनी डेथ हुई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ. में लिखता हूं सीधा LB लिखता हूं मैं. ओके तो करो जरा, हमारे पास कितनी इन्फेंट्स की डेथ हुई, 3,207, और टोटल लाइव बर्थ है इतनी 418 मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आएगा 51.38 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग. पॉपुलेशन ग्रोथ को हम किस तरह से मेजर करेंगे, बहुत ही सिंपल है. जो हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज होता है, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट. हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, GRR यानी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फीमेल बर्थ टू द टोटल नंबर ऑफ बर्थ एंड मल्टीप्लाइड बाय. ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को हम किस तरह से ऑब्टेंड करते हैं, देखो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ाया है. ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू फीमेल बर्थ अपॉन टोटल बर्थ, और इसको हम मल्टीप्लाई करते थे टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ. हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को हमें ऑब्टेंड करना होगा इन टर्म ऑफ वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है, या सीधा स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होता है आपने मुझे कमेंट करके बताना है. आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 10 और वो फॉर्मूला लिखना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट. यहां पे हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है अबाउट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट. पहली स्टेटमेंट, इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग फर्टिलिटी इन डिफरेंट एरियाज, बिल्कुल करेक्ट है. ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट हम उससे हम कंपेयर करते हैं फर्टिलिटी इन डिफरेंट एरियाज आर इन द सेम एरिया एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. फिर सेकंड, इट हैज एन एडवांटेज ओवर टोटल फर्टिलिटी रेट, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में हम फीमेल बर्थ को कंसिडर करते हैं, जिससे एडवांटेज हो जाती है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में फर्टिलिटी रेट से टोटल फर्टिलिटी रेट. या हम इसको ऐसा भी कहते हैं, जो हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है ना, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, टोटल फर्टिलिटी रेट का, ठीक है. सो यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट आएगा. वही यहां पे मैंने लिखा है, इन इट्स कंप्यूटेशन वी टेक इनटू अकाउंट ओनली द फीमेल बेबीज, ठीक है. फिर इट इग्नोर्स द करंट मोर्टेलिटी ऑफ गर्ल्स. फिर सेकंड, इट कंसीडर द फैक्टर ऑफ मोर्टेलिटी. दोनों अपोजिट हैं, अब इन दोनों में से करेक्ट कौन है, देखो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, फिर हमारे पास होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट. इन दोनों में सिर्फ एक चीज फर्क है और वो है इग्नोरेंस का, यानी जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है ये इग्नोर करता है मोर्टेलिटी ऑफ बेबीज, जो फीमेल बेबीज है उनकी मोर्टेलिटी कंसिडर नहीं करता है, एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट कंसिडर करता है. बस यही डिफरेंस इनके बीच में है, यानी ये करेक्ट स्टेटमेंट है एंड इट कंसिडर द फैक्टर ऑफ मोर्टेलिटी, ये गलत स्टेटमेंट है. ओके, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, यानी वुमेन की बात हम करें, यानी वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एट अ गिवन एज बाय द चांस ऑफ फीमेल चाइल्ड सर्वाइविंग. देखो यहां तक जो बात हो रही थी ना, वो बात हो रही थी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की. जब सर्वाइविंग की बात आई, यानी हम उसकी जो मोर्टेलिटी है उसको कंसिडर करेंगे, तो वो क्या बनेगा,
पहले था ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, अब बनेगा वो नेट रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिचुएशन इफ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट पर वुमेन इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, यानी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज ग्रेटर देन वन एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट पर वुमेन इज लेस देन वन। अगर हमारे पास जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है ये लेस देन वन है तो उस केस में पॉपुलेशन क्या होगी? देखो, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट ग्रेटर देन वन, इसका मतलब जो फीमेल बेबीज हैं वो ज्यादा पैदा हो रही हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर यहां पर मतलब है नेट रिप्रोडक्शन रेट का मतलब हुआ जो फीमेल बेबीज हैं वो मर भी रही हैं, ठीक है, उनकी डेथ भी हो रही है, यानी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो नहीं करेगी बल्कि डिक्रीज करेगी। अगर यहां पे ग्रेटर देन वन होता फिर हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज करती, बट यहां पे लेस देन वन है यानी डिक्रीज करती। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको याद रखना है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जब ग्रेटर देन वन होता है, यानी अगर हम इसको सिंगल ही लेंगे तब हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, अगर वन के इक्वल होता है तो कांस्टेंट, ठीक है, यानी जो पॉपुलेशन है फीमेल की वो रिप्लेस कर रही है इटसेल्फ, फिर अगर लेस देन वन हो गया तो डिक्रीज। इसी तरह से एन आर आर में भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं बी वाले ऑप्शन से। एन आर आर कैन नॉट एक्सीड्स जी आर आर, यानी कि जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है, नेट रिप्रोडक्शन रेट है वो कभी भी ग्रेटर नहीं होगा ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट से। बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहां पे हम जो फीमेल बेबीज हैं उनकी मोर्टेलिटी कंसिडर नहीं करते हैं, यहां पे हम करते हैं, यह वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर हमारे पास है ए और सी, ये आपस में कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। देखो, जी आर आर एंड एन आर आर बोथ कैन बी इक्वल, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? जल्दी से बताओ, बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं। जब हमारे पास जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में जो बेबीज पैदा हुई वो सारी की सारी सर्वाइव करें, कोई भी डेथ नहीं करेगी, तो उस केस में ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इक्वल होगा नेट रिप्रोडक्शन रेट के, यानी जिस टाइम पे कोई भी डेथ नहीं होगी तो हमारे पास जी आर आर इक्वल टू एन आर आर होगा। तो ये हो गया ठीक, फिर ये हमेशा ग्रेटर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सी, हमारे पास आ गया ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हम ऐसा कह सकते हैं जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट के, ठीक है, ये एक्सट्रीम नहीं हो सकता। नाउ यहां से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन जो कि जेएससी एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड पूछे गए थे। सो आपने एक काम करना है, यहां से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कितने ठीक निकले कितने गलत निकले उनका आपने कमेंट करके जरूर बताना है। सो लेट अस स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंप्लीटली इग्नोर्स द एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट है, उसमें हम किसी को कंसिडर नहीं करते हैं, सिंपल। तो हमारे पास आएगा क्रूड डेथ रेट, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ रेट कंप्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज। जब हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेक्शन तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे इसका नाम ही है वैसा ही इसका आंसर आएगा, यानी स्पेसिफिक डेथ रेट इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश कंसिस्ट इन रिलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बियरिंग एजेस। देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले हमने पढ़ा है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट में क्या होता है, सिंपल, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द पॉपुलेशन, ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द पॉपुलेशन, सिंपल निकल गया क्रूड बर्थ रेट। यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, फिर थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म हो जाती है और हमारे पास आता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ और डिवाइड हम करते हैं नंबर ऑफ वुमेन से। यहां पे पहले सभी पर्सन को हम लेते थे,
मेल फीमेल, लेकिन यहां पे सिर्फ फीमेल को लेते थे, फिर थोड़ी मॉडिफाइड आ गया, फिर स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, यहां पे हम क्या लेते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप को लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दैट एज ली, तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, या वुमेन्स ली तो वुमेन्स स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, या मैरिज का लिया इसी हिसाब से, ओके। यहां पे अब क्या आएगा, यहां पे आ रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू द नंबर ऑफ फीमेल, यानी किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है जनरल फर्टिलिटी रेट की, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड वुमेन रेशियो रिलेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड टू द वुमेन इन देयर रिप्रोडक्टिव पीरियड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यह पढ़ाया था, जो चाइल्ड वुमेन रेशियो है इसमें चिल्ड्रन की एज क्या ली जाती है, अंडर फाइव ईयर्स, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश लेड्स टू फेलेशियस कंक्लूजन एज इट इन्फ्लेट्स द नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर। अब मुझे बताओ यहां पे किससे हमें फॉल्स कंक्लूजन निकलता है अबाउट द नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर। देखो यहां पे तो दो ही ऑप्शन है, या तो आएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट, या तो आएगा ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। यहां पे फॉल्स कंक्लूजन निकलता है, बिकॉज यहां पे सिर्फ फीमेल बेबीज को कंसिडर किया जाता है, लेकिन उनकी डेथ में नहीं बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यानी फीमेल बेबीज है ज्यादा, लेकिन उन सब की डेथ हो गई, तो हमारे पास जो पोटेंशियल मदर्स है उसके बारे में एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज ब्रॉडली थॉट ऑफ एज द मूवमेंट बाय इंडिविजुअल ग्रुप आर पॉपुलेशन सीकिंग टू मेक रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस ऑफ द रेजिडेंस। जब आप परमानेंटली चेंज हो जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो आपको हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे, ठीक है। यानी कश्मीरी माइग्रेंट, आपने नाम सुना है, तो यहां पे क्या आएगा, माइग्रेशन, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ जनरल फर्टिलिटी रेट। इनमें से जनरल फर्टिलिटी रेट की क्या एडवांटेज है, बहुत ही सिंपल है। जनरल फर्टिलिटी रेट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन एट द रिप्रोडक्टिव एज। तो यहां पे क्या आएगा, इट इज अ प्रोबेबिलिटी रेट। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ रिप्रोडक्टिव एज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल क्रूड डेथ रेट जनरली डैश डैश मेल क्रूड डेथ रेट। नाउ यहां पे मैंने एक डेटा लिया है जहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही पता चलेगा। अगर हम 2019 की बात करें, मोर्टेलिटी रेट फॉर वुमेन ये था 145.05 पर 1000, यानी सिंपल आप मान के चलो 146 फीमेल की डेथ होती थी। एंड अगर हम मेल की बात करें तो इनकी होती थी 201 रखो, ठीक है। यानी कि जो फीमेल क्रू डेथ रेट है वो लेस है एज कंपेयर टू मेल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब अपने व्यू मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता है कि जो फीमेल क्रू डेथ रेट है वो कम है और मेल का ज्यादा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वुड फॉलो द फर्टिलिटी रेट्स डायगोनली। यहां पे दो ऑप्शन में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच एंड लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। नाउ क्रॉस सेक्शनल अप्रोच क्या होता है, जब हम कंपेयर करते हैं, देखो ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ, ग्रुप 2 को ग्रुप 3 के साथ। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडल अप्रोच है वहां पे हम एक ही की बात करते हैं, यानी ग्रुप 1 की हम बात करेंगे पहले टाइम में, फिर दूसरे टाइम में, फिर तीसरे टाइम में। तो हमारे पास जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट में क्या होता है, 2019 को हम कंपेयर करेंगे 21 के साथ, या 2011 जिसके साथ भी हम कंपेयर करेंगे, तो यहां पे कौन सी अप्रोच फॉलो होती है, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु आर इन्यूमरेटेड एट अ प्लेस अदर देन देयर बर्थ प्लेस आर टर्म्ड एज। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू से हो, आपको एन्यूमरेट किया जाएगा दिल्ली में, तो आपको क्या माना जाएगा, मूवर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या ट्रांसफरर, नहीं बल्कि लाइफ टाइम माइग्रेंट,
वहीं पे आपका सभी आधार कार्ड ये वो बना होगा, तभी तो एन्यूमरेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द मदर्स प्रोड्यूस फीमेल इन्फेंट हु सर्वाइव टू रिप्लेस देम। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। देखो, प्रोड्यूसेस फीमेल इन्फेंट, यहां पे तो ठीक था, यहां तक हमारे पास क्या आता है, यहां तक आता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। लेकिन जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं तब आएगा हमारे पास नेट रिप्रोडक्शन रेट। हेंस डी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। नाउ मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। वहां पे मैंने लिखा था क्रूड बर्थ रेट, बर्थ रेट को हो या क्रूड बर्थ रेट, दोनों सेम है। जब ये ग्रेटर होगा, यानी जब बच्चे पैदा ज्यादा होंगे लेकिन डेथ कम होगी, तो उस टाइम पे कौन सा ट्रेंड फॉलो होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, नीचे बिल्कुल भी नहीं देखना है, ऑनेस्टली से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 और आंसर मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। देखो, हमारे पास पहला नेट रिप्रोडक्शन रेट, यह है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। फिर क्रूड बर्थ रेट, ये बेचारा किसी की मॉडिफाइड फॉर्म नहीं है। फिर जनरल फर्टिलिटी रेट, किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, फिर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ये आ गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउट माइग्रेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, आउट माइग्रेंट यानी बाहर, तो जब बाहर जाएंगे उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एमिग्रेंट्स। ठीक है, अगर अंदर आएंगे तो इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट हो गया आई यानी इन, तो एमिग्रेंट हो गया आउट। ओके, नाउ यहां पे डिफैक्टो, डिफैक्टो क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रैक्टिस दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है, इवन दो दे आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। सिंपल, यहां पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं डिफैक्टो क्या होता है। पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, कोई मतलब बहुत रेस्पेक्टेबल इंसान है, उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया और उसके साथ बिहेव करते हैं एज अ वो उनका बच्चा है, लेकिन एक्चुअल में उनका बच्चा नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं डिफैक्टो। डी ज्यूरी क्या होता है, ये इसी का अपोजिट होता है। जो डिफैक्टो होता है ये लॉ नहीं होती है, इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया होता है, लेकिन डी ज्यूरी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर क्रूड माइग्रेशन रेट इज इक्वल टू। नाउ जिस तरह से हम बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट, सेम तरीके से यहां पे क्रूड माइग्रेशन रेट, माइग्रेशन या इमिग्रेशन दोनों बाहर जाते हैं, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। फिर यहां पे हमारे पास नेट माइग्रेशन, नेट माइग्रेशन क्या होता है, द एस्टिमेटेड रेट ऑफ नेट माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, इन माइनस आउट। ठीक है, और पर थाउजेंड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं नेट माइग्रेशन। ठीक है, फिर हमारे पास ग्रॉस माइग्रेशन रेट, ग्रॉस माइग्रेशन रेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है इन माइग्रेशन या इन माइग्रेंट्स प्लस आउट माइग्रेंट, यानी इन एंड आउट दोनों को प्लस किया जाता है डिवाइडेड बाय मेडियर पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन, मिड एयर पॉपुलेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास निकला ग्रॉस माइग्रेशन रेट। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डैश इज डिफाइंड एज द चांस ऑफ डाइंग ऑफ अ न्यूली बोर्न इन्फेंट विद इन अ ईयर ऑफ इट्स लाइफ अंडर द गिवन मोर्टैलिटी कंडीशंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। देखो, यहां पे बात हो रही है चांस ऑफ डाइंग अ न्यूली बोर्न बेबी विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर मतलब
infant mortality rate. Hence, D option is the correct answer. Next question. Dash dash is just a gross reproduction rate adjusted for the efforts of mortality. जल्दी से मुझे बताओ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की मॉडिफाइड फॉर्म क्या है. तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है. क्वेश्चन नंबर 32. बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार समझाया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जीरो ग्रोथ ऑफ द लाइफ टेबल पॉपुलेशन इज आल्सो नोन एज डैश डैश पॉपुलेशन. जब लाइफ टेबल में जो ग्रोथ है वो जीरो होगी तो पॉपुलेशन क्या होगी? स्टैटिक होगी, यानी स्टेशनरी होगी. ठीक है. हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ स्क्यूड क्या होता है? स्क्यूड होता है जब एक ही साइड से मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हो. अगर इक्वल होगी देखो तो हमारे पास क्या आ गया? सिमेट्रिक आएगा. यहां पे इस साइड से ज्यादा है, यहां पे इस साइड से ज्यादा है. ठीक है. तो ये क्या आ गई? ये आ गई स्क्यूड पॉपुलेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेथ रेट स्पेसिफिक टू एज एंड सेक्स ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ. जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिएगा. देखो पहला हमारे पास है टोटल मॉर्टेलिटी रेट. टोटल मॉर्टेलिटी रेट में क्या होता है? जल्दी से मुझे आप इसका आंसर कीजिएगा. ये आपके लिए है. ठीक है. क्रूड डेथ रेट. क्रूड डेथ रेट बेचारा किसी की जो ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम नहीं करता है. फिर हमारे पास है स्टैंडर्डाइज मॉर्टेलिटी रेट. यहां पे हम क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेते हैं. ओके. फिर हमारे पास इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में हम क्या करते हैं? इन्फेंट्स की बात करते हैं. इन्फेंट यानी विद इन वन ईयर जिनकी डेथ हुई होती है. ओके. अब मुझे आप बताओ जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है वो किसकी ड्रॉबैक्स को खत्म करता है? वो करता है क्रूड डेथ रेट. अगर यहां पे हमारे पास होता जनरल फर्टिलिटी रेट तो तब तो जनरल फर्टिलिटी रेट आता, लेकिन यहां पे अभी है क्रूड डेथ रेट, तो यही आएगा. ठीक है. हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डैश इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. यानी जब हम सम करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम फीमेल बर्थ. यानी सिंपल आपको हो वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. ठीक है. फिर क्या कहता है? फॉर ईच ईयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड. यानी उनकी रिप्रोडक्टिव पीरियड को कंसिडर करता है. तो क्या आता है हमारे पास? वो हमारे पास आता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट. जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था कि हम GRR को वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से भी कैलकुलेट करते हैं. ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया था. अगर अभी तक आंसर नहीं किया तो यहां पे पता चल गया आपको. ठीक है. तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज अप्रोक्सीमेटली डैश डैश द टोटल फर्टिलिटी रेट. अगर आपको पता नहीं है कितना है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद है, जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? टोटल फर्टिलिटी रेट का. तो आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा. सबसे पहले आपको पता चलेगा ये कभी भी बड़ा नहीं होगा, यानी ट्वाइस भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, थ्राइस भी नहीं होगा. क्या होगा? हाफ होगा, कम होगा. क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है टोटल फर्टिलिटी रेट का. ठीक है. सो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट. हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट क्रूड मैरिज रेट व्हेन द मैरिजेस रजिस्टर्ड वर. इतनी मैरिजेस रजिस्टर्ड हुई है एंड एस्टिमेटेड पॉपुलेशन यहां पे गिवन है. सिंपल, जिस तरह से हम करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इसी तरह से यहां पे आएगा मैरिज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. मैरिजेस को समझो बर्थ, यानी ये बर्थ की जगह आएगा, अपॉन टोटल ये. तो इसको आप सिंप्लीफाई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज मैरिज एंड माइग्रेशन. बताओ जरा ये मतलब ये किसके कंपोनेंट्स है, जल्दी से बताओ. तो ये सारे हमारे पास किसके होते हैं? स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. जब हम स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या मैरिज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या माइग्रेशन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. ठीक है. तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. ये क्वेश्चन भी आपके लिए है. यहां पे कैलकुलेट करना है चाइल्ड टू वुमेन रेशो. अभी मैंने आपको पढ़ाया चाइल्ड टू वुमेन रेशो,
फॉर्मूला वो अप्लाई करो और निकालो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, देखो यहां पे सभी जगह जीरो पॉइंट के बाद है, यानी जीरो पहले है, तो इसका मतलब ये हुआ जो बड़ा है वो ऊपर से, सॉरी जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर से रहेगी, बड़ी वैल्यू अपान में रहेगी। बस आपका निकल जाएगा, फॉर्मूला भी आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश आर कन्वेंशनल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिजेस, बर्थ, सिकनेस एंड डेथ, By which the health and growth of a community may be studied. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नाउ आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली हैं, हो सकता है इनके बारे में पूछा जाए, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लो और इनको जरूर पढ़ना। ये हो गई एक, यह है दूसरी, एंड ये है तीसरी। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।